नमस्कार हिंदी के इस पाठ में आप सबका स्वागत है बच्चों आज हम एक ऐसे महान व्यक्ति के बारे में जान पाएंगे जिन्हें संसार महात्मा गांधी के नाम से जानता है सो आइए एक साथ इस पाठ को सुनते हैं गांधी जी ने जीवन में सदा सत्य के प्रयोग किए वे दिन में लगभग बीस घंटे काम किया करते थे वे सदा सद्गुणों को अपनाने की प्रेरणा दिया करते थे वे भारत के राष्ट्रपिता हैं तथा उन्होंने संसार को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया उनके अनुसार अपनी आत्मा जिसे सत्य माने मृत्यु के समय तक भी उसका अनुसरण करते रहना चाहिए यदि हम शांत चित्त होकर कार्य करेंगे तो सभी कार्य सहजता से पूरे कर सकेंगे जो मेहनत और मूल्यों के प्रति विश्वास रखता है वह जीवन में काम से कभी घबराता नहीं है अब इन शब्दों के अर्थों को समझने की कोशिश करें प्रयोग किसी विशेष उद्देश्य हेतु किया गया कार्य अहिंसा बिना चोट के, अनुसरण पीछे चलना चित्त मन सहजता आसानी से अब इन शब्दों से वाक्य बनाएं। राम ने कल से इस दवाई का प्रयोग किया है गांधी जी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया मेरा भाई मेरा अनुसरण करता है चित्त को एकाग्र करना कठिन है पिताजी ने सहजता से मेरी बात पर विश्वास कर लिया आपने इस पाठ में देखा कि गांधी जी शब्द केवल एक बार आया है लेकिन इस शब्द के लिए अन्य शब्दों का प्रयोग हुआ है जैसे वे उन्होंने उनके यदि इन शब्दों की जगह बार बार गांधी जी शब्द आता तो वाक्य की सुंदरता समाप्त हो जाती इसीलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है अतः जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं जैसे मैं तुम वह आप मेरा तेरा उनका अपनी हम आदि प्रिय छात्रगण आशा है कि आप अपने पाठों में सर्वनाम शब्दों को पहचान पाएंगे और इनका अच्छा प्रयोग कर पाएंगे धन्यवाद नमस्कार